Hello, good morning. So we are going to start from page number 44, and I will try to conclude the lesson as fast as I can do, and maybe we will do it. So today we are going to start the 6.4 point of the town and trade, that is coin and kings. So we are at the last part of the lesson. We are talking about the towns. So here I will read something for you. To some extent, exchange were facilitated by the introduction of coinage. Punch mark, coin made of the silver copper in 6th century BC onwards were among the earliest to be minted. And use of these have been recovered from the excavation at the number of the sites throughout the subcontinent. अगर हम देखें तो छठी शताब्दी के बाद सोने चांदी या तांबे के पत्रों पे, मतलब पतला होता था और उसके ऊपर पंच के निशान, जैसे किसी आकृति को रख के ठोका गया हो तो ऐसे पंच के निशान आकृति की छप जाते थे, गुदे जाते थे और इस प्रकार के सिक्के पाए गए हैं। अगर हम देखें तो ये सिक्के जो है खुदाई के अंदर काफी सब कॉन्टिनेंट के अंदर पाए गए हैं। जो इन सिक्कों के बारे में पढ़ते हैं और इसके इन चीजों को एक्सप्लेन करते हैं, उनके आधार पे ये जो सिक्के थे वो बनाए गए थे खास तौर से कॉमर्शियल नेटवर्क को प्रॉपर करने के लिए, दूर दराज इलाकों के साथ उसके मापदंड को बैठाने के लिए। नाउ अगर हम नेक्स्ट पैराग्राफ में देखें तो ये जो पंचमार्क होते थे उसमें ज्यादातर जो डायनेस्टिकल सिस्टम्स या डायनेस्टिकल रूलिंग स्पेसिफिक करते थे वो लोग, वो दिखाते थे कि ये कौन से डायनेस्टी की कॉइन है, वो चीजें एकदम प्रतिरूप के रूप में दिखाने की कोशिश की जाती थी। जैसे मौर्यन साम्राज्य के टाइम पे अगर हम देखें तो उन्होंने जो सिक्के इश्यू किए उसको देख सकते हैं। ये सिक्के बनाने के बाद मर्चेंट्स हैं, बैंकर्स हैं, टाउन पीपल हैं, उन सबको इश्यू किए जाते थे। इसको इश्यू करने के कारण ये होता था कि इसकी वैल्यू बनी रहे और लोग इसका इस्तेमाल व्यापार के लिए कर सके। देन इसके बाद अगर हम देखें तो लास्ट लाइन में अगर आते हैं सेकंड पैराग्राफ के, द फर्स्ट कॉइन टू बियर द नेम एंड द इमेज ऑफ द रूलर्स वर इश्यूड बाय द इंडो ग्रीक हु एस्टैब्लिश्ड कंट्रोल ओवर द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट सी 2nd century BC। अगर जो पहला सिक्का हमारी दृष्टि में आता है वो जो है वो इंडो ग्रीक रूलर का है और जो कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में रूल करता था और ये 2nd century के दौरान में देखने में आता है। इसके बाद अगर हम देखें तो आता है कुशांस लोगों का जो कि सोने का सिक्का था, जो 1st century CE में देखने में आया। ये एक विशेष मापदंड से बनाया गया था जो कि उसी जमाने के जो क्या कह सकते हैं रोमन कंटेम्पररी जो रूलर्स थे उनके जैसा बनाया गया था। देन उसके बाद अगर हम देखें तो प्रतिहंस जो रूलर्स थे ईरान के, वहां पर भी अगर हम देखें तो कई जगह पर और इंडिया में और सेंट्रल एशिया में इस प्रकार के सिक्के पाए गए हैं। देन अगर हम देखें तो जो ये सोने के सिक्कों का ट्रांजैक्शन जो था वो राज्य इलाकों में और बड़े पैमाने पर राज्य इलाकों में अधिकारी वर्ग में देखा जाता था, या फिर इसको अगर हम देखें तो रोमन अधिकार के जो हम कह सकते खजाने में और खजाने वाले इलाकों में रखा हुआ पाया गया है। आर्कियोलॉजिस्ट ने ये देखा कि दक्षिण भारत में भी इनके व्यापार का नेटवर्क था। पॉलिटिकल बॉर्डर्स जो थे उसको कंफर्म नहीं थे कि कहां से कहां तक पॉलिटिकल बॉर्डर्स है, इसलिए हम नहीं कह सकते कि उनका जो है ये सिक्कों का इस्तेमाल कहां से कहां तक किया जाता था, परंतु ये सिक्के उस जमाने में चल रहे थे। जो सिक्कों को पढ़ने वाले जो क्या कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट हैं,
और जो नॉलेजफुल पर्सनालिटीज हैं वो लोग ये मानते हैं कि ये जो सिक्के व्यापार के कारण एक जगह से दूसरी जगह भेजे और लिए और बेचे जाते थे। नाउ अब हम देखेंगे जो कॉइन्स के बारे में, द कॉइन्स वर ऑल्सो इश्यूड बाय द ट्राइबल रिपब्लिक सच एज द यदोरियंस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। अगर हम देखें तो फर्स्ट सेंचुरी के दौरान में यदोरियंस जो थे उन्होंने वो जो पंजाब और हरियाणा के रूलर रहे थे और इनके द्वारा भी क्या है सिक्के बनाए गए थे और वो भी इसका इस्तेमाल करते थे। आर्कोलॉजिस्ट हैव अनअर्थड द सेवरल थाउजेंड कॉपर कॉइन्स इश्यूड बाय द यदोरियंस देन पॉइंटिंग टू द लेटर इंटरेस्ट एंड पार्टिसिपेशन इन द इकोनॉमिकल चेंजेस। और इनके जो ये सिक्के थे उन वो इस तरफ इंडिकेट करते थे कि वो लोग भी व्यापार में और अर्थव्यवस्था में अर्थ तरक्की में जो है अपना हिस्सा लेते थे और मतलब वो भी व्यापार करते थे और दूसरे कार्यों में सिक्कों का इस्तेमाल करते थे। इस प्रकार से दिखाई देता है कि वो जो है इसके बारे में नॉलेज रखते थे। देन अगर देखें तो सम ऑफ द मोस्ट स्पेक्टेकुलर गोल्डन कॉइन्स वर इश्यूड बाय द गुप्त रूलर्स। द अर्लीस्ट इश्यू आर रिमार्केबल फॉर द प्योरिटी। दीज कॉइन्स फैसिलिटेटेड द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांजेक्शन फ्रॉम विच द किंग ऑल्सो बेनिफिटेड। अगर हम देखें तो गुप्त काल के कॉइन्स के अंदर एक खास स्पेशलिटी दिखाई देती है कि उसकी शुद्धता, उसकी जो बेहतरीन क्वालिटी जो है उस कॉइन को बनाने की और मतलब उसकी शुद्धता जो है वो दिखाई देती है। कितना परसेंट गोल्ड उन्होंने यूज किया, कितना परसेंट सिल्वर उन्होंने यूज किया। इस आधार पे अगर हम देखें तो ये सिक्के जो है लॉन्ग डिस्टेंस के बड़े दूर के व्यापार में इस्तेमाल किए जाते थे और राजा जो है इनको बेनिफिट्स के लिए, अपने फायदे के लिए, अपने अर्थव्यवस्था को तरक्की देने के लिए अगर हम देखें तो इस्तेमाल करता था। यहाँ पे आपको कॉइन्स के पंचमार्क वाले कॉइन्स दिखाई देंगे, आपको जो है गुप्त काल का कॉइन भी दे रखा है और यदुर्यांस का कॉइन तांबे का है वो भी दे रखा है। इसके ऊपर जो है आप देखेंगे पंचमार्क जो है पंचिंग जो निशान एक मेटल सरफेस पे जो वो भी आप देख सकते हैं। उतने फिनिश नहीं है ऊपर वाला, परंतु उसको गोल बनाने की कोशिश की गई और उसपे कई सारी चीजों को अंकित किया गया। ज्यादातर जीव दिखते हैं, जो जानवर दिखते हैं उसके अंदर। नाउ अगर हम लास्ट पैराग्राफ में जाएं तो हम देखते हैं फ्रॉम द सिक्स सेंचुरी सी ऑनवर्ड्स फाइंडिंग ऑफ द गोल्ड कॉइन टैपर ऑफ डज द इंडिकेट दैट देयर वाज सम काइंड ऑफ इकोनॉमिकल क्राइसिस। हिस्टोरियंस आर डिवाइडेड on this issue. Some suggest that with the collapse of the Western Roman Empire, long distance trade declined. अगर हम देखें तो 6th सेंचुरी के बाद धीमे धीमे सोने के सिक्के गायब होते जा रहे हैं, उनकी संख्या कम हो गई है और वो खत्म होते जा रहे हैं। इतिहासकार इस बात पे दो मत हैं, वो दो हिस्सों में बट चुके हैं और वो दोनों अलग अलग बातें बोलते हैं। एक इतिहासकारों का समूह ही कहता है कि क्योंकि वेस्टर्न रोमन एम्पायर जो है वो खत्म हो चुका था, उसकी भव्यता जो थी, हम ये नहीं कहेंगे पूरी तरह से परंतु उसकी भव्यता जो थी वो खत्म हुई, तो भव्यता के साथ ही उसकी प्रॉस्पेरिटी और उसका साथ कम्युनिकेशन सिस्टम भी धीरे धीरे डिक्लाइन हो गया। अब जो है अगर हम देखें तो नई जगहों को ढूंढा गया जहां से अच्छी कमाई मिल सके, जहां से सामान अच्छे दाम बिक सके, तो नए टाउन नए ट्रेड जो है मिलने लगी। वहां पे किस तरह का व्यापार होता है, किस तरह के सिक्कों का इस्तेमाल होता है, उसी तरह की चीजों को क्या किया जाने लगा, इस्तेमाल किया जाने लगा। तो इस समय में हम ये मान सकते हैं कि ये जो चीजें वो खत्म होने लगी। इसी के साथ अगर हम देखें तो दे ऑल्सो पॉइंट आउट थ्रू फाइंड द कॉइन्स ऑफ दैट टाइम वर फेवर द कॉइन्स कंटिन्यू टू बी मेंशन इन इंस्क्रिप्शंस एंड टेक्स्ट। अब जो हम देखें तो सिक्कों की संख्या तो कम हुई परंतु उनका व्यापार जरूर होता था क्योंकि उसके ऊपर कई दस्तावेज और टेक्स्ट लिखे जाने लगे। कुड इट बी देयर आर फेवर फाइंड बिकॉज द कॉइन्स वर सर्कुलेटेड देन आर बीन होल्डर्स।
अगर हम देखें तो ये भी हो सकता है कि सिक्के अब क्या है, सर्कुलेट करने के लिए, यानी कि 10 उधर भेजने और लेने के लिए नहीं, परंतु अब वो सिर्फ भंडारण में या खजाने में रखे जाने के लिए इस्तेमाल किए जाने लगे, ताकि उसको क्या किया जाए, कंट्रोल में रखा जाए और उससे क्या हो, जैसे वैल्यू, पैसे की, करेंसी की वैल्यू जो है बढ़ती जाए। तो ये चीजें जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से इन्होंने इस चीजों का इस्तेमाल किया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड वी विल हैव अनदर लेसन बिकॉज आई एम ट्राइंग टू पुट द टू लेसन्स टुगेदर। सो इन दिस पोर्शन आई एम गिविंग दिस ऑल। ओके, टेक केयर।